जय हिंद, मैं अभय सिंह तेवतिया। और अभी जस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने मैसेज करा है कि भाई रनिंग के लिए कौन से टेबलेट या कौन से इंजेक्शंस लेने चाहिए जो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से इंजेक्शन आपको लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, और लेने चाहिए तो क्यों, ठीक है, और कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रनिंग में अगर आप इंजेक्शन लेते हो तो काफ़ी बेकार है। जैसे स्टेरॉइड वगैरह ये लेते हैं भाई बंदे, मैंने खूब देखा है, भर्ती में लेके भागते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, सब वेस्ट है, ठीक है। मैंने तो कोई नहीं देखा भाई ये इंजेक्शन लगवा के भागते हो, ठीक है। एक डेका नाम से आता है, वो भी बेकार है। जितने भी ये डी नाम से आते हैं, जितने भी डी नाम से इंजेक्शन है रनिंग को और काफ़ी फ़ायदे देने के लिए, डेका हो गया, ये जितने भी है, और मेरे को इतना खास नाम नहीं पता, जितने भी पर डेका के आते हैं, डेका के नाम से और भी बहुत कोई इंजेक्शन आते हैं, और भी नाम होते हैं डेका के साथ साथ, ये क्या करते हैं भाई, आपके ना मतलब गर्मी ला देते हैं, बॉडी हीट कर जाती है, पागल हो जाते हैं भाई। ये एक रियलिटी है, मैं सच में बता रहा हूँ, ये रियलिटी हमारे ग्राउंड में हुआ था एक बार, पिछले साल हुआ था गर्मी के टाइम में, ठीक है। अब दोबारा ठंडा की, इससे भी पिछले पूरा एक साल हो गया, हुआ क्या था, उसने डेका का इंजेक्शन लगवा के ट्रायल लिया था अपने यहाँ 1600 का, ठीक है। उसने 1600 मार तो ली थी, अच्छा टाइम ला तो दिया था, पर वो अजीब हरकत करने लग गया था, उसे मतलब ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी, बहुत हीट हो गई थी, ठीक है। तो मैं आपको इंजेक्शन तो नहीं बोलूँगा, आप इंजेक्शन लगवाए, ठीक है, पर मैं कुछ कुछ ऐसे बता सकता हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक हो गया न्यूरोबिन पोर्ट नाम से एक इंजेक्शन होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, 11 या 12 रुपये का एक वो आता है, उसमें इंजेक्शन आता है 11-12 रुपये का, ज़्यादा खास नहीं आता। अगर सप्ते में एक उसे लगवाते हो, सप्ते में एक लगवा लो, एक महीना लगवा लो उसे, मतलब 4 इंजेक्शन लगवा लो एक महीने की, गारंटी आपकी जो मसल्स का पेन वगैरह है ये काफ़ी दूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता इसकी लत लगा लो, सप्ते में सिर्फ एक बार लगवा लो, 4 बार लगवा लो, ज़्यादा मत लगवाना भाई, ज़्यादा मत लगवाना, ठीक है। अगर मसल पेन होता है तो है ये, अगर न्यूरोबिन आप पोर्ट, अगर आपकी मसल जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी थक जाते हैं, तो न्यूरोबिन पोर्ट का आप एक इंजेक्शन लगवा सकते हो। बेशक आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, न्यूरोबिन पोर्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पर नाम याद रखना, न्यूरोबिन पोर्ट 11-12 रुपये की आती है टैबलेट, और उससे ऊपर लेते हो तो एक न्यूरोबिन हाई पावर नाम से आती है, ऐसी कुछ 24-25 रुपए की, ठीक है, वो ले सकते हो, ठीक है। इंजेक्शन में बस मैं एक यही बोलूँगा, ठीक है। और एक और आती है पर उसका साइड इफेक्ट है, तो मैं इसलिए उसे रिकमेंडेड नहीं करूँगा, उसका एक ब्लड टेस्ट होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है, तो मैं इस वीडियो में बस वो बता रहा हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक ही हो गया न्यूरोबिन इंजेक्शन, ठीक है, न्यूरोबिन पोर्ट इंजेक्शन। अब बात करते हैं टैबलेट्स के ऊपर, टैबलेट में बहुत सारी टैबलेट हैं जिनका साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है, पर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्या पता आप उन्हें लेते हों और फिर प्रॉब्लम हो जाए और चैनल पे मेरे पे हेट्स आ सकती हैं, तो मैं इसलिए बस वही टैबलेट बता रहा हूँ कि कौन किस किस का साइड इफेक्ट नहीं है। कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, ये जितने भी पावर वाली हैं, विटामिन ई, और ये कौन सी है, सिरप आती है एक विटामिन सी की भी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो आराम से। और एक और टैबलेट है न्यूरोबिन पोर्ट, अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते, आपको टैबलेट ही काफ़ी पसंद है कि टैबलेट से हो जाएगा, तो न्यूरोबिन पोर्ट आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और एक फिश आई फिश नाम से एक टैबलेट आती है, वो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या होता है आपका बॉडी में ना लचीलापन आ जाता है, ठीक है। और विटामिन सी अगर आपकी हड्डी कड़कड़ करती है, जैसे मतलब आप स्क्वेट लगा रहे हो तो आपकी हड्डी बार बार घुटने की कड़कड़ हो रही है, तो आप कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हो, ठीक है, कैल्शियम की टैबलेट जो होती हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। और ये जितनी भी टैबलेट है विटामिन क्या कहते हैं ई, विटामिन सी, ये आपकी मसल्स वगैरह को पकड़ के रखता है, विटामिन सी जैसे है वो आपकी मसल को पकड़ के रखता है, ठीक है, अगर आपकी मसल पेन करती है तो विटामिन सी वो उसको पकड़ के रखती है। तो ये हो गई टैबलेट। अब बात करते हैं एक एनर्जी जो आपकी बॉडी में रेगुलरली डेली का आप उसे यूज़ करके एनर्जी पावर अपने अंदर ला सकते हैं, एक आता है इलेक्ट्रोल, ठीक है, इलेक्ट्रोल वो पानी की कमी पूरी करता है और आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा लाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल एक प्रकार से आप कह सकते हो ग्लूकोज टाइप में आता है, ठीक है, एक 18-19 रुपए का एक छोटा सा पैकेट आता है, ठीक है, और उसे एक ही बार में यूज़ करना होता है वो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे बोतल में इलेक्ट्रोल डाल लो और जब रेपिटेशन वगैरह मारो तो एक एक सिप, मतलब एक थोड़ा थोड़ा सिप पानी पीते रहो उससे, ठीक है, और निवाए पानी में करना, उसे ठंडे पानी का कोई फ़ायदा नहीं है, निवाए पानी करो, निवाए पानी बाद उसे पूरा उसमें डाल दो इलेक्ट्रोल, ठीक है, इलेक्ट्रोल और कुछ नाम नहीं है, बस इलेक्ट्रोल ही नाम है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगता, इलेक्ट्रोल नाम है, वाइट कलर का पाउडर होता है उसके अंदर पैकेट के, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पावर वाली चीज़ है, पानी की कमी पूरी करता है और जो आपके अंदर मीठा कहते हैं ना
कि मीठा जरूरी होता है बॉडी के लिए, तो मीठापन भी उसमें होता है, ठीक है, तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोल हो गया, और एक और होता है ORS नाम से, ORS तो बेकार है, मेरे को खास पसंद नहीं आया, उसे उसका यूज़ करा, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिला मेरे को, मेरे को इलेक्ट्रोल का मिला, तो इलेक्ट्रोल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोल ले, ठीक है। तो यही है सारी टेबलेट्स, इंजेक्शन और जो एनर्जी की चीज़ है जो आप बार बार पूछते हो कि कौन कौन सी लें, ठीक है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिसके साइड इफेक्ट है ना उसका यूज़ ना करें, डेका वगैरह ये सब, ठीक है, और जिसका साइड इफेक्ट नहीं है आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है, अगर इनमें से किसी का भी साइड इफेक्ट निकल जाता है तो आप बता देना, मैं चैनल छोड़ दूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, लाइक कर देना इस वीडियो को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और किस टाइप का ऊपर वीडियो चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, चाहिए।